Welcome back to Universal PK Math Classes. So now, today our topic in Triangle Chapter, question number 8. Prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side. Question का मतलब क्या होगा? Question कह रहा है कि एक जो हमें triangle दे रखा है ABC, इसमें तो DE line है, ये AB और AC को दो बराबर parts में काट रही है. तो इसका मतलब AD इक्वल टू BD होगा और AE इक्वल टू EC होगा. हमें प्रूव करना है कि जो ये DE लाइन है ये BC के पैरेलल होगी. अब देखें इन ट्रायंगल ABC में आप देखते हैं हमें जो दिया है AB अपॉन BB, AD अपॉन BB इक्वल टू हमें 1 अपॉन 1 दिया है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं. इक्वल है तो दोनों रेशियो कौन होगा. दूसरा हमें ए अपॉन ई सी जो दे रखा है ये भी हमें वन रेशियो दे रखा है, क्योंकि ये भी दोनों इक्वल है. अब देखिए दोनों इक्वल है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए. अब फ्रॉम हम यहाँ चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी वन अपॉन 1 है, यहाँ भी वन अपॉन 1 है, दोनों को इक्वल कर देंगे. इक्वल करके इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कौन कौन से दो इक्वल आ जाएंगे, इनके लेफ्ट पार्ट्स इक्वल आ जाएंगे. तो हमारा आएगा ए बी अपॉन बी बी विल बी इक्वल टू, इधर हमारा बचेगा ए अपॉन ई सी. ऐसा किसमें होता है, दो आमने सामने के रेशियो किसमें इक्वल होते हैं, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम में इक्वल होते हैं. तो जो है जब ये क्या लग गया, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम. कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, जब दो करस्पॉन्डिंग रेशियो आपस में बराबर होते हैं तो उनसे निकलने वाली जो लाइन होती है ये आपस में पैरेलल होते हैं. तो DE लाइन क्या हो जाएगी, BC के पैरेलल होगी. तो यहाँ पे लिख देंगे DE पैरेलल टू BC बाय कन्वर्ज, बाय कन्वर्ज ऑफ BPT. क्लियर हो गया. सो थैंक यू.